साजिश यहाँ नाकाम हो जाए उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत ला सबसे पहले नाथ नबी गुनगुनाने के लिए मैं गुजारिश करता हूं जनाब शंकर कैमूरी साहब से प्लीज तशरीफ लेकर के आए शंकर कैमूरी साहब के एक शेर यारजू थी तुझे गुल के रूबरू करते शंकर भाई यारजू थी तुझे गुल के रूबरू करते हमार बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते फुरकत की जब घरिया कटती नहीं हमारी आ जाओ अब हसरत मिटती नहीं नाथ नबी सुनाने के लिए शंकर कैमूरी साहब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें यहीं से मशारा स्टार्ट होता है अब उसको नाज़िम मशारा अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे मशारे के लिए तैयार हो जाइए मैं एक शायर ने कहा कि हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए थोड़ा सा बढ़ा दीजिए भाई हल्का सा हाँ हमारी शाखे तमन्ना पीछे तक आवाज जा रही है आवाज पीछे तक जा रही है ना तो इस शेर के बाद पता चलना चाहिए एक शायर ने कहा कि हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए तो हवा चले तो गुजारिश है बस यही आका हवा चले तो गुजारिश है बस यही आका कि हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए हवा चले तो गुजारिश है बस यही आका हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए। दरअसल क्या है कि नाते पाक पर तालियां तो नहीं बजती हैं क्योंकि नाते पाक का जो एहतराम है उस पर तालियां नहीं बजती हैं लेकिन नाते पाक जब कोई पढ़ता है नात का शेर जब कोई कहता है तो आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो अगर कोई दुश्वारी नहीं होती एक बार पूरा मजमा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह और दुश्वारी क्यों होगी जब शंकर सुभान अल्लाह कह सकता है तो गुलामे शब्बीर को क्या परेशानी है एक बार पूरा मजमा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह और मैं चाहता हूं कि नाते पाक के कबल थोड़ा सा आपका चूंकि शुरू में मैं खड़ा हूं महबूब रजा साहब ये महसूस कर सकते हैं कि बहुत शुरू में मैं खड़ा हूं तो अगर थोड़ा सा अरेंज ना करूं तो वो काम नहीं हो पाएगा समझिए कि महबूब रजा साहब हैं कि कहीं गए अच्छा शहे मदीना ने अपनी अजमत का सिक्का हरसू बिठा के छोड़ा शहे मदीना ने अपनी अजमत का सिक्का हरसू बिठा के छोड़ा जो झुक रहे थे बुतों की जानिब खुदा की जानिब झुका के छोड़ा इतना शेर अच्छा था लेकिन उस पे आपका तवज्जो थोड़ा कम हुआ अगर इस तरह से तवज्जो कम होगा तो अच्छा शेर आदमी नहीं पढ़ पाएगा फिर से पढ़ता हूं और पूरी बेदारी आ जाए कि शहे मदीना ने अपनी अजमत का सिक्का हरसू बिठा के छोड़ा जो झुक रहे थे बुतों की जानिब खुदा के जानिब झुका के छोड़ा और हुबू था कोई मनात कोई था कोई उज्जा तो लात कोई तो हर एक बुत को हरम के बाहर मेरे नबी ने हटा के छोड़ा शहर मदीना ने और एक शेर पढ़ रहा हूं कि जो चार जो खुलफाए राशिदीन हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत शेर खुदा अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु चार जो ये खलीफा हैं उसमें एक जो जब हजरत एक बार मचल के कह दिए सुभान अल्लाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उमर थे फारूक नहीं थे तब एक शेर पढ़ रहा हूं
आप समझ लें शंकर को अपनी दुआओं से नवाजिए कि उमर कब थे और फारूक कब हुए, इस बारीक बात को शंकर समझता है और महसूस करता है। इतनी ही कम बात नहीं है। हमने कहा कि शहे मदीना ने अपनी अजमत का सिक्का हर तू बिठा के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों की जानिब खुदा के जानिब झुका के छोड़ा। भूबुल था कोई, मनात कोई, था कोई उज्जा तो लात कोई, हर एक बुत को हरम के बाहर मेरे नबी ने हटा के छोड़ा। तो उमर उमर चले करके ये इरादा, उमर चले करके ये इरादा करेंगे हजरत को कत्ल जाकर, मगर निगाहे नबी ने आखिर उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा। उमर चले करके ये इरादा करेंगे हजरत को कत्ल जाकर, मगर निगाहे नबी ने आखिर उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा। नाते पाक का मतलब हाजिर कर रहा हूं। जब नाते, देखिए सुभान अल्लाह, इसलिए भी मैं कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि एक कुरानी हर्फ के बदले में हम तुम्हारे नामाए अमाल में 10 नेकियां अता करते हैं। सुभान के सीन से अल्लाह के हे तक 9 कुरानी हुरूफ हैं, इसलिए जब जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तब तब हमारे नामाए अमाल में 10 नमाज 90 नेकियां दर्ज होती हैं। इसलिए एक बार पूरा मजमा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब नाते नबी मैं लिखता हूं, ईमान की खुशबू आती है, ईमान की खुशबू आती है। ये शायद गया में मैं पढ़ चुका हूं, मैं चाह रहा हूं कि दूसरी नात पढ़ दूं कि उठाओ उठाओ हाथों में जब कलम तुम, उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दरूद लिख दो सलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो। पूरी तवानाई। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो, के हंसी गुलाबों की पत्तियों पे, हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। उठाओ उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो, हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो, है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। जो उनकी सीरत की बात आए, जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो। और एक शेर पढ़ रहा हूं बतौर खास, हजरत समाप्त करेंगे और खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं कि क्या हलाल है और क्या हराम है। एक शेर पढ़ रहा हूं, वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से। स्टेज से भी अहले स्टेज से भी गुजारिश है के वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से, वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से, वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हराम लिख दो। वही शरीयत वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से, वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से, वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हराम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो। और ये शेर के
मदीना कौन नहीं जाना चाहता है। एक बार मदीना के लिए जोरदार समझ समझ के एक बार सुभान अल्लाह कर लिया। मदीना के बारे में कहा गया कि अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे। ये महेंद्र सिंह ने कहा कि अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। तो इसलिए मदीना के बारे में कहा। मदीना के बारे में एक शेर हमने कहा है कि दर्द दिल की दवा मदीना है, मस्कन मुस्तफा मदीना है, ये तो जिब्रील ही बताएंगे, हम कहें क्या के क्या मदीना है। इसलिए एक शेर पढ़ता हूं कि कलाम लिख दो और ऐ अहले ऐ लिखने वाले है ये गुजारिश कि मैं हूं छोटा बड़ी है ख्वाहिश। ऐ लिखने वाले है ये गुजारिश कि मैं हूं छोटा बड़ी है ख्वाहिश कि मेरी खातिर भी शहरे तहबा में कुछ दिनों का कयाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो सलाम लिख दो। शमसी साहब भी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बदिया में मैं जब गया था तो ऑल इंडिया मुशायरे में उन लोगों की दुआएं हाजिर थी। ऐ लिखने वाले है ये गुजारिश कि मैं हूँ छोटा बड़ी है ख्वाहिश कि मेरी खातिर भी शहरे तहबा में कुछ दिनों का कयाम लिख दो। और बड़े अकीदत तो मोहब्बत के साथ मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, मक्ता हाजिर कर रहा हूँ। हमारे शालिम शरीम साहब हैं हमारे दरमियान, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, हम उनको ये उनके हवाले से मक्ता आप तक पहुंचाते हैं कि फरिश्तों फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो के गुलाम का भी गुलाम लिख दो कहीं पे शंकर का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो सलाम लिख दो। हसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो सलाम।